हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर, जो कि 2022 या 23 का एग्जाम क्वेश्चन पेपर है। टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, कहीं पर फोर्थ सेमेस्टर में, कहीं पर सिक्स सेमेस्टर में, तो सेमेस्टर सेमेस्टर आपका डिफर कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, द मॉडर्न सिस्टम ऑफ फार्मिंग इन विच केमिकल्स आर कम्प्लीटली बॉयकॉटेड इन द कॉस्ट ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग, इनऑर्गेनिक फार्मिंग, बायो फार्मिंग या ऑल ऑफ दी अबव। प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि हम लोग केमिकल का बायकॉट करते हैं, मतलब उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं इन द कॉस्ट ऑफ फार्मिंग, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायो फार्मिंग या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो केमिकली अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर का बायकॉट करते हैं, यूज़ नहीं करते, तो टाइप ऑफ फार्मिंग उससे जो होगी क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट, जैविक खेती। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फुल फॉर्म ऑफ आई एफ ओ एम का जो फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम क्या है, इंडियन फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर मूवमेंट, इंडियन फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट या नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग है तो जाहिर सी बात है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही रिलेट करेगा। सो ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। फुल फॉर्म याद इसलिए रखना है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे आई एफ में ओ का पूछ, मतलब क्या होगा, स्टैंड किस लिए करता है, ए किस लिए स्टैंड करता है, ये चीज़ पूछ लेता है। तो फुल फॉर्म आपको याद रखना है। और इस्टेब्लिश कब हुआ या ये फॉर्म कब हुआ, तो 1972 में। ठीक है, कहाँ पर, फ्रांस में। आई एफ ओ एम 1972 में फ्रांस में फॉर्म हुआ, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, मतलब स्टार्ट हुआ वहाँ से। क्वेश्चन नंबर थ्री, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग आर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर, बायो फर्टिलाइजर, वेजिटेटिव वेस्ट मटेरियल या ऑल ऑफ दी अबव। सो ऑर्गेनिक में हम ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करते हैं, बायो फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं, वेजिटेटिव वेस्ट मटेरियल का यूज़ करते हैं। मिस ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग वॉट इज़ द कैपिटल सब्सिडी फॉर बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड यूनिट। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत जो आपका सब्सिडी मिलता है बायो फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड यूनिट पर, वो कितना परसेंट मिलता है, 10%, 25%, 35 या 50। सो गवर्नमेंट आपको देती है तो 25% सब्सिडी, ऑप्शन नंबर फाइव बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको जो बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड पर जो सब्सिडी मिलने वाली है वो आपको मिलेगी 25%। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर फाइव, ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स सुटेबल फॉर लो लैंड राइस फील्ड इज, कौन सी ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप है जो कि लो लैंड राइस के लिए सुटेबल है, सेस्बेनिया सेस्बेन सेस्बेनिया एक्यूलाटा, सेस्बेनिया स्पिक्यूसा, लेथरस सटाइवस। ठीक है, लेथरस सटाइवस। सो कौन सा है जो कि आपका लो लैंड राइस के लिए सुटेबल है। देखिए बहुत, अब यहाँ पर सभी तो हमारे ढैचा के ही वो हैं, सस्बेनिया, ठीक है, स्पीसीज हैं, बट हमने पढ़ा क्या कि ढैचा हमारे लो लैंड के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है। तो अगर आपको स्पीसीज नहीं आता, आप हिंदी में देख के लगा सकते हैं, कि कहीं कहीं कभी कभी क्या होता है, हिंदी से आप ऑप्शन सही मिल जाते हैं, कभी कभी इंग्लिश से भी ऑप्शन आपको सही मिल जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सस्बेनिया एक्यूलाटा ढैचा, ठीक है, जिसको हम लोग लो लैंड राइस में एज अ ग्रीन मैन्यूर क्रॉप यूज करते हैं, ग्रीन लीफ मैन्योर नहीं करते हैं, ग्रीन मैन्योर क्रॉप। देन क्वेश्चन नंबर सिक्स, ट्राइकोग्रामा इज यूज मोस्टली टू कंट्रोल, जो ट्राइकोग्रामा है मोस्टली हम लोग किस लिए यूज कर, मतलब हाँ ठीक है, इज यूज मोस्टली टू कंट्रोल, किस चीज को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, राइस सिस्टम बोरर को, ग्राम पॉट बोरर को, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो इनमें से हम जी मेनली जो करते हैं वो हम लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट, टेरन इंसेक्ट, ठीक है, जो लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट होते हैं उनको हम यूज, उनको हम कंट्रोल करने के लिए ट्राइकोग्रामा स्पीसीज का यूज करते हैं। ट्राइकोग्रामा क्या है, ये एक पैरासिटोइड्स है, ठीक है, ये क्या है, पैरासिटोइड है जो कि लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या, करेक्ट, इनमें से कोई नहीं होगा, राइस स्टेम बोरर, ग्राम पॉट बोरर या दोनों दोनों नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, लेप्टोप्टेरा इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हम ट्राइकोग्रामा स्पीसीज का यूज करते हैं, जो कि एक पैरासिटोइड है। क्वेश्चन नंबर सेवन,
इन इंडियन सॉयल एवरेज नाइट्रोजन कंटेंट इज अबाउट, इंडियन सॉयल में जो एवरेज नाइट्रोजन कंटेंट है वो कितना है, तो कितना है एग्जैक्ट है 0.3 से 0.7, ठीक है यही वैल्यू आपको मिलेगी 0.3 से 0.7, तो लेकिन बहुत ज़्यादा कम है। अगर बात करें यूरोपियन सॉयल की या अमेरिकन सॉयल की, तो वहाँ पर आपको अच्छा खासा मिलता है 0.10 से आपको मिल जाएगा 0.17 तक, ठीक है कितना 0.10 से 0.17 तक, जो कि इंडियन सॉयल से काफ़ी अच्छा है। देन क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर डिस्ट्रॉयड बाय डैश इन द सॉयल, जो बहुत सारे प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बाय लीचिंग, परकोलेशन, सीपेज या सरफेस स्टोरेज, ठीक है। तो लीचिंग के द्वारा बहुत से प्लांट न्यूट्रिएंट हमारे नष्ट होते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट, मोस्ट ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर डिस्ट्रॉयड बाय लीचिंग। देन क्वेश्चन नंबर 9, द लिक्विड वेस्ट मटेरियल रिलीज्ड बाय अर्थवॉर्म इज कॉल्ड, जो लिक्विड वेस्ट मटेरियल अर्थवॉर्म के द्वारा रिलीज होता है उसे क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वॉश, वर्मी कल्चर या ऑल ऑफ द अबव, सो दैट इज कॉल्ड एज वर्मी वॉश, ठीक है। जो लिक्विड मटेरियल निकलता है वो वर्मी वॉश कहलाता है, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, वर्मी वॉश, द लिक्विड मटेरियल रिलीज बाई अर्थवॉर्म इज कॉल्ड एज वर्मी वॉश विच इज वेरी न्यूट्रिटिव। देन क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट स्टडीड द पल्स राइजोबियम सिम्बायोसिस, साइंटिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने पहली बार जो पल्स राइजोबियम सिम्बायोसिस है उसको स्टडी किया था, श्री हिल्टनर, श्री नॉब, श्री बी एन जोशी या श्री रजनीकांत भाई पटेल। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, श्री बी एन जोशी फर्स्ट स्टडीड पल्स राइजोबियम सिम्बायोसिस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 11, द वॉल्यूम ऑफ एयर अबव 1 एकड़ ऑफ लैंड कंटेन्स डैश टन ऑफ नाइट्रोजन, जो 1 एकड़ ऑफ लैंड है उसके ऊपर जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो कितने टन ऑफ नाइट्रोजन को कंटेन करती है, मतलब कितना टन नाइट्रोजन उसमें पाया जाता है, सो दैट इज 80,000 टन नाइट्रोजन पाया जाता है अबव 1 एकड़ ऑफ लैंड, ठीक है। 1 एकड़ लैंड के ऊपर जो वॉल्यूम ऑफ एयर होती है उसमें 80,000 टन नाइट्रोजन आपको देखने को मिलता है, सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन इज एन एनरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, इनमें से एक अवायु जीवी, देखिए यहाँ पर क्या है थोड़ा सा यहाँ पर गैप नहीं होना चाहिए, चल ठीक है, NAEROBIC, ठीक है, एक साथ लिखना चाहिए था, अब यह ये कंफ्यूजिंग है, अब क्या पूछा है, एरोबिक पूछा या एनरोबिक पूछा, यहाँ पर देखिए हिंदी में पढ़ेंगे अवायु जीवी, मतलब एनरोबिक पूछा है, ठीक है, एरोबिक नहीं एनरोबिक बैक्टीरिया पूछा, तो थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों को आप देख कर चला करिए, कभी कभी अगर आपको थोड़ा सा डाउट होता है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा, एनरोबिक बैक्टीरिया, तो एनरोबिक कौन सी है, क्लॉस्ट्रिडियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, विच इज एन एनरोबिक बैक्टीरिया, तो क्लॉस्ट्रिडियम हियर इज एन एनरोबिक बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 13, वर्मी वॉश कंटेन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो वर्मी वॉश होता है उसमें कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको देखने को मिलते हैं, जिबरेलिक एसिड, साइटोकाइनिन, लीपेज या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ये सीपेज नहीं है लीपेज है, न्यूट्रिशन, ठीक है। तो वर्मी वॉश में आपको जिबरेलिक एसिड भी देखने को मिलेगा, साइटोकाइनिन मिलेगा, लीपेज मिलेगा, मीन्स ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट, वर्मी वॉश कंटेन जिबरेलिक एसिड, साइटोकाइनिन एंड लीपेज। देन क्वेश्चन नंबर 14, एजोला रुब्रा इज अ बायोकेमिकल, बायो फर्टिलाइजर, बैक्टीरिया या नॉन ऑफ दी अबव, सो एजोला क्या है, बहुत बार मैं क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, फिर से आज पूछता हूँ, एजोला क्या है, कमेंट में आप लोग बताइएगा। देन और एक और है, किस में कौन से क्रॉप में यूज किया जाता है वो भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, ब्लू ग्रीन एल्गी इज अ कॉमनली यूज इन पैडी क्रॉप, वीट में, शुगर केन में या ऑल ऑफ दी अबव, तो सबको पता होगा ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोला इस कहाँ, पैडी क्रॉप, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, पैडी क्रॉप में यूज किया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 16, नेशनल प्रोग्राम ऑफ और फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इज स्टार्टेड इन अ ईयर, हिंदी में, सॉरी हिंदी नहीं, शॉर्ट में बोलेंगे NPOP, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन किस ईयर में स्टार्ट किया, तो ईयर है 2001 में ये इम्प्लीमेंट किया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है, कब, 2001 में, बट यहाँ ऑप्शन आपका 2001 गायब है, तो हम कुछ तो लगाना रहेगा, ऑप्शन नंबर सी 2000, ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन स्टार्टेड इन द ईयर
2001 याद रखना है आपको, 2001 है ठीक है, ये कब 2001 या 2000 है तब 2001 में लगा के आइए, बट यहाँ पर ऑप्शन नहीं तो कोई तो आपको लगाना रहेगा 2000। और इसका फुल फॉर्म एनपीओपी का फुल फॉर्म भी याद रखना है, पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बल्की ऑर्गेनिक मैन्यूर, इनमें से कौन है जो कि बल्की ऑर्गेनिक मैन्यूर है, वर्मी कंपोस्ट, फार्म यार्ड मैन्यूर, कंपोस्ट या ऑल ऑफ दी अबव। सो वर्मी कंपोस्ट, फार्म यार्ड मैन्यूर एंड कंपोस्ट तीनों हमारे क्या है, बल्की ऑर्गेनिक मैन्यूर है। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट, ऑल ऑफ दी अबव, दे ऑल आर बल्की ऑर्गेनिक मैन्यूर। देन क्वेश्चन नंबर 18, एजोटोबैक्टर इंक्रीजेस क्रॉप ईल्ड अप टू, जो एजोटोबैक्टर है वो क्रॉप ईल्ड को बढ़ाता है अप टू कितने परसेंटेज तक, 5 to 10%, 10 to 15, 15 to 22% या 22 to 30%। ठीक है, तो देखिए वेरी करता है कि कहीं पर आपको ज़्यादा ईल्ड देखने को मिल जाएगी, कहीं पर कम मिली, बट जो एवरेज आपको बहुत सारी बुक में लिखा है वो 10 से 15% ही आपको देखने को मिला, कहीं कहीं पर आपको 10 से 12%, ठीक है, अप्रॉक्स इतना तो चलता है। तो 10 to 15% आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, करेक्ट। 10 to 12 होता तो 10 to 12 भी लगा सकते थे, लेकिन अगर 10 to 12 होगा तो 10 to 15 नहीं होगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो एवरेज होती है, कहीं पर 10% बढ़ेगा, कहीं पर 12% बढ़ जाएगा, कहीं पर 30% भी बढ़ सकता है, बट एक एवरेज जो आता है वो 10 to 15% देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19, इन पल्स क्रॉप राइजोबियम कल्चर इज यूज्ड एट द रेट कितने ग्राम पर केजी, ठीक है, जो राइजोबियम कल्चर है वो कितने ग्राम राइजोबियम कल्चर लेते हैं 1 kg सीड को ट्रीट करने के लिए, क्या पूछा है, ग्राम पर केजी, कितना ग्राम हम लोग राइजोबियम कल्चर का यूज करेंगे 1 kg सीड को ट्रीट करने के लिए। सो अप्रॉक्स 5 to 10 ग्राम ऑफ नेट बायो फर्टिलाइजर राइजोबियम इज यूज टू ट्रीट 1 kg ऑफ सीड। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट, 5 से 10 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 20, अमास ऑफ रॉटेड ऑर्गेनिक मैटर मेड फ्रॉम वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड, रॉटेड ऑर्गेनिक मैटर के द्वारा जो वेस्ट मटेरियल से आप बनाते हैं वो क्या होता है, कंपोस्ट, फार्म यार्ड मैन्यूर, वर्मी कंपोस्ट या लीफ मैन्यूर। ठीक है, तो फार्म यार्ड मैन्यूर तो आपको पता है फार्म से जो है वो निकलेगा, काउडंग उससे बनेगा, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी आपका वर्मी कंपोस्टिंग करें उससे निकलेगा, लीफ मैन्यूर अलग है, कंपोस्ट बनेगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाए यहाँ पर, करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 21, द स्पीसीज ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इज एनाबीना, नॉस्टेक, एलोसिरा या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी के जो स्पीसीज है कौन कौन से हैं, एनाबीना, नॉस्टेक, एलोसिरा, सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट, ठीक है, एलोसिरा, सॉरी, ऑल ऑफ द अबव, चारों क्या हैं, करेक्ट स्पीसीज हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के। देन क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन लीफ मैन्योर, इनमें से कौन है जो कि ग्रीन लीफ मैन्योर है। इसे ऊपर आपसे क्वेश्चन मिला था जहाँ पर पूछा था लीफ ग्रीन मैन्योर, ठीक है, ग्रीन मैन्योर की जो तो कौन सी क्रॉप यूज होती है, तो वहां पर हमने बताया था ढैंचा, सस्बेनिया एक्विलाटा, ठीक है। यहाँ पूछा है कि ग्रीन लीफ मैन्योर, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ग्रीन मैन्योर में आप क्या है वही इन सीटू आप इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, जैसे ढैंचा वहीं लगा है, वहीं आपने उसको इनकॉर्पोरेशन कर दिया उसी सॉयल में, जहाँ उसी फील्ड में जहाँ पर लगा था, बट इन केस ऑफ ये जो आपका पंगोमिया पिनाटा लीफ है, ठीक है, इस ये आपका ग्रीन लीफ मैन्योर के रूप में यूज होता है, मतलब इसका आप प्लांटेशन कहीं दूसरी जगह करेंगे, देन इनकॉर्पोरेशन आपको करना है मैन्यूरिंग के फॉर्म में, तो आप दूसरे फील्ड में ला करके करेंगे, तो ये डिफरेंस है ग्रीन लीफ मैन्योर में और ग्रीन मैन्योरिंग में। सो ऑप्शन लीफ मैन्योर पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, जो करंस की पत्ती होती है उसको हम ग्रीन लीफ मैन्योर के रूप में यूज करते हैं, पंगेमिया पिनाटा लीफ। देन क्वेश्चन नंबर 23, कंपोस्ट इज रेडी फॉर अप्लीकेशन इन द फील्ड अप टू कितने महीने में रेडी हो जाता है, तो 5 से 6 महीने लगते हैं रेडी होने में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 24, फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ रहे हैं, एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, अगर आपको ये नहीं पता तो कुछ भी नहीं पता, फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन है आप लोग को बताना है। इससे पहले बहुत सारे वीडियोस ऑर्गेनिक फार्मिंग, हाँ फ्रेंड्स, तो इससे पहले बहुत सारे वीडियोज जो हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पर मैंने बनाए हुए हैं, जहाँ पर प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर हैं या और भी सेल्फ मेड क्वेश्चन हैं, उनको आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर से रिपीट होते हैं। और नो मैटर कोई भी यूनिवर्सिटी का पेपर हो, आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं कि, तो आपको क्योंकि देखिए सिलेबस तो आपका सेम है, ऑर्गेनिक फार्मिंग तो हर जगह एक ही जैसी होती है, तो सिलेबस आपका सेम है, तो किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर हो, अगर आप कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें तो और आपके लिए इंपॉर्टेंट है,
क्वेश्चन आपके कहाँ पूछ रहे हैं, जो आपके एग्जाम में आते हैं, बीएससी में आते हैं, वही आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ जाते हैं, जो एग्रीकल्चर हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जरूर देखिएगा, लिंक आपको मिल जाएगी और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। प्लेलिस्ट किस नाम से रहेगी? ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से आपकी प्लेलिस्ट है, कि उसको आप लोग सर्च करके पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर बहुत सारे प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर है, देख लीजिएगा वहाँ से। तो इसका आंसर आपको कमेंट बताना है, फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन है। और अगर आप हमसे पेड पीडीएफ भी परचेज करना चाहते हो, आप ये कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7905601596 पे, ठीक है। इस पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है हितेश एजी के नाम से, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, हितेश एजी के नाम से है। और ये पीडीएफ इस पे पेड रहेंगी, कोई भी आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट रहेगा, कॉस्ट इफेक्टिव रहेंगी, डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, आप परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, नाइट्रोजन परसेंटेज इन ग्राउंडनट केक, ग्राउंडनट केक में जो नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है वो कितना होता है? 6.5, 7.3, 7.6 या 8.3? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आपका परसेंटेज पूछता है ग्राउंडनट केक में, नीम में या कैस्टर में, सनफ्लावर में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ, अगर की एग्जैक्ट वैल्यू होती है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राउंडनट केक कितना होता है? 7.3%, ठीक है। इसका एनपीके का जो रेशियो है वो आप लोग याद कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है। तो 7.3:3:2.2, ठीक है। एन आपका पाया जाएगा 7.3, पी आपका 3 पाया जाएगा, और के आपका पाया जाएगा 2.2%, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन एडिबल ऑयल केक, इसमें से कौन है जो कि नॉन एडिबल ऑयल केक है? लिनसीड केक, ग्राउंडनट केक, कैस्टर केक या सन सैफ्लावर केक, ठीक है। कौन सा नॉन एडिबल, एडिबल नहीं है? तो कैस्टर का जो केक होता है वो नॉन एडिबल होता है, और बहुत सारे केक हैं, जैसे आपका नीम हो गया, ठीक है, महुआ हो गया, नीम हो गया, महुआ हो गया, करंज, इनका जो केक होता है ये कैसा होता है? नॉन एडिबल केक होता है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 27, बर्निंग ऑफ क्रॉप रेजिड्यू लीड्स टू द लॉस ऑफ 100% नाइट्रोजन एंड 25% फॉस्फोरस। तो ऑप्शन नंबर ए, आपकी अगर आप क्रॉप रेजिड्यू को बर्न कर रहे हैं फील्ड में, तो आपका जो नाइट्रोजन तो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, और 25% आपका जो फॉस्फोरस है वो भी खत्म होता है। तो इसीलिए हमें खेत में कभी भी अपना जो भी क्रॉप रेजिड्यू वो बर्न नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप उसको पानी डाल के आप सड़ा सकते हैं, ठीक है, वो बाकी बर्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे नाइट्रोजन, तो क्योंकि हमारे यहाँ कमी किस चीज़ की है? नाइट्रोजन की, बहुत ज़्यादा कमी है नाइट्रोजन की, जो कि 0.3 से 0.7% पाया जाता है, जो कि नेग्लिजिबल है, ठीक है। अगर आप बर्न कर देंगे तो 100% आपका खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। क्वेश्चन नंबर 28, इन यूपी स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन बॉडी इज लोकेटेड एट, यूपी में स्टेट जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन बॉडी है वो कहाँ पर है? कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, मत लगा के आइएगा, आधे से ज़्यादा बच्चे गाजियाबाद। हाँ, एक गाजियाबाद में इंपॉर्टेंट सेंटर है, वो आपको कमेंट में बताना है कि गाजियाबाद में, क्योंकि अगर आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठेंगे ना, तो गाजियाबाद से एक क्वेश्चन आता है नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग करके, है आप लोग बताइएगा कौन सा सेंटर है गाजियाबाद में, ठीक है। स्टेट सर्टिफिकेशन बॉडी कहाँ पर है? लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट, गाजियाबाद मत लगा के आइएगा, क्योंकि 90% मैं गारंटी लेता हूँ 90% बच्चे गाजियाबाद मार के आएंगे यहाँ पर, बट वो गलत है, ठीक है। आप लोग एक नेट पर सर्च कीजिए गाजियाबाद में कौन सा सेंटर है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। क्वेश्चन नंबर 29, पार्थेनियम हेस्टोफोरस, जिसे हम गाजर घास के नाम से जानते हैं, प्रोड्यूसेस 10 नंबर ऑफ सीड्स पर प्लांट पर ईयर, एक साल में एक प्लांट में कितने सीड्स, जो आपका पार्थेनियम हेस्टोफोरस होता है, कितने सीड को प्रोड्यूस करता है? अप्रॉक्स आपकी 10,000 से 25,000, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट, जो कि एक वीड है, पार्थेनियम हेस्टोफोरस क्या पेरिनियल वीड्स आपकी है ये। क्वेश्चन नंबर 30, लेंटेना कैमरा इस वीड इस बायोलॉजिकली कंट्रोल्ड बाय, जो लेंटेना कैमरा है वो बायोलॉजिकली किसके द्वारा कंट्रोल करते हैं? लार्वा ऑफ एग्रोमाइजा लेंटेना, या लार्वा ऑफ थैकेलोचियोन, या लार्वा ऑफ थैकलोबेजकोई, ठीक है। किससे हम क्या कंट्रोल करते हैं? तीनों का यूज करके, तीनों के लार्वा का यूज करके, एग्रोमाइजा लार्वा, थैकलोचियोन के जो लार्वा होते हैं, या थैक्लोबिस्कोई के लार्वा है, उनका तीनों का यूज करके हम कंट्रोल करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट, ठीक है। तो 1 to 30 फ्रेंड्स क्वेश्चन इसमें हमने सॉल्व कर लिए,
बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 31 से 60 तक, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और इससे पहले जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पर वीडियोज़ हैं उनको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, कि वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर रिपीटेड हैं, और यहाँ के भी क्वेश्चन वहाँ के क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट, क्योंकि मैंने पहले सॉल्व कराया हुआ है 22 या 23 के, 21 के क्वेश्चन पेपर हैं अदर डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की, क्योंकि वहाँ पर सॉल्व है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनके साथ।